लॉकडाउन का सख्ती से कराया गया अनुपालन, बेवजह घूमने वालों को दी गई चेतावनी, बिना मास्क के चलने वालों से वसूला गया जुर्माना। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा, और आपको मैं बता दूं कि आज ये पहला दिन था, तो वही मैं आपको बताते चलूं कि लॉकडाउन की तमाम छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। 16 जुलाई 2020 अधिकाधिक लोगों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक पुनः सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय क्षेत्र में किए गए लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा जिले के दरभंगा सदर बिरौल एवं बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालय एवं दरभंगा नगर निगम तथा बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया तथा बेवजह घूमने वालों को फटकार लगाई गई एवं बिना मास्क के घूमने वालों से जुर्माना राशि की वसूली की गई। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दरभंगा सदर अनुमंडल व शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को समझाते हुए लॉकडाउन का अनुपालन कराया गया। उन्होंने लोगों को बिना मास्क के नहीं चलने तथा बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने को समझाया। बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर के साथ घूम घूम कर लॉकडाउन का अनुपालन कराया गया। बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिरौल अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया तथा बिना मास्क के भ्रमण करते लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती अनुपालन कराया गया तथा बिना मास्क के घूमते पाए गए लोगों से फाइन की वसूली की गई। जिले के कई थाना अध्यक्षों द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बिना मास्क के चलते लोगों से जुर्माना वसूल किया गया तथा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों तथा कई आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, अनुमति प्राप्त वाहन को चलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सभी को मास्क पहनकर निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन करने को कहा गया है, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ये जानकारी दूसरों तक पहुंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।